लोगों को जो था वो रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा रहा था, ये आखिरी चीज़ है, उसके बाद हमारे यूनाइटेड नेशन ख़त्म है। अब इसमें तीन रिफॉर्म है, तीन रिफॉर्म जो हैं, पहला जो है वो जनरल रिफॉर्म है। जनरल रिफॉर्म का सिंपल आप लोग सिर्फ समझ लें, रेफरेंस यानी नोट किया करें, क्योंकि रेफरेंस जो है ये बड़ा आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करेगा। अब जनरल रिफॉर्म का आप लिखें कि रेफरेंस देंगे जनरल रिफॉर्म में कि आर्टिकल नंबर 23 ऑफ यूएन चार्टर, ये अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना ये आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल नंबर 23 ऑफ यूएन चार्टर ये कहता है कि भाई आपके पास 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। आर्टिकल नंबर 23 ऑफ यूएन चार्टर ये कहता है कि आपके पास 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। और वो 5 परमानेंट मेंबर कौन है, मैं नाम लिख रहा हूँ, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड USSR। अब ये पहला रिफॉर्म है, आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे US, UK, फ्रांस, चाइना और USSR लिखा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि P5 कंट्री में रशिया है, USSR नहीं है। USSR जो था वो 1991 तक था, ये टूट गया था 1991 में। USSR एक इतना बड़ा समझे एक कॉन्टिनेंट तो नहीं, एक स्टेट था जिसके अंदर 16 स्टेट्स थे, जिसके अंदर 16 स्टेट्स जो थे वो आते थे। इसके अंदर USSR के अंदर 16 स्टेट्स इसके अंदर आते थे, ये इतना बड़ा था। ये 1991 में टूट गया था और फिर इसकी जगह पर जो है ना वो रशिया है जो अभी परमानेंट 5 में। लेकिन अगर आप उसके चार्टर में देखेंगे ना यूनाइटेड नेशन की, तो वहाँ पे रशिया की जगह USSR लिखा हुआ है। तो पहला रिफॉर्म यही है कि भाई आपके आपके जो जनरल रिफॉर्म में जो इनको हम कहते हैं सजेस्टेड रिफॉर्म, सजेस्टेड ये याद रखिए, ये लाजमी है। सजेस्टेड का मतलब ये है कि ये रिफॉर्म वो नहीं है कि जो अभी तक तो जो हो गए इम्प्लॉय हो गए, ये वो रिफॉर्म नहीं है। ये सजेस्टेड रिफॉर्म है कि हम किसी बंदे ने या किसी ने भी इन रिफॉर्म्स का बता दिया कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये अभी तक रिफॉर्म्स हुए नहीं हैं लेकिन ये हो सकते हैं, आपको बता रहा हूँ। तो पहला रिफॉर्म है जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म में आप लिखोगे आर्टिकल 23 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, 15 में से 5 मेंबर कौन से हैं, US, UK, फ्रांस, चाइना, USSR। तो USSR की जगह सर आपको रशिया लिखना है, USSR नहीं लिखना। अगर आप USSR लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि USSR में 16 स्टेट्स भी आती हैं, 16 स्टेट्स भी आती हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो 16 स्टेट्स आती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 16 की 16 स्टेट्स का वीटो पावर में। एक पॉइंट बनता है ना कि अगर आप चार्टर में देखो तो उधर USSR लिखा हुआ है, तो USSR में मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स उसके अंदर आती थी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो चार्टर में USSR लिखा हुआ है, तो मतलब जो मैंने P5 कंट्री बताया, वीटो कंट्रीज बताया, तो वो वीटो कंट्री का ये 16 कंट्रीज बनेंगी। तो पहला रिफॉर्म जो जनरल यूनाइटेड नेशन पे होना चाहिए वो ये होना चाहिए। जनरल रिफॉर्म क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको USSR की जगह वहाँ पे रशिया लिखना है अपने चार्टर में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला रिफॉर्म ये जिसको हम कहते हैं जनरल रिफॉर्म। सेकेंड रिफॉर्म ये है कि हमारे पास जो है सेकेंड रिफॉर्म जो है उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। आप किसी स्कूल में जाते हो या क्या, तो उधर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, आपके टीचर्स, प्रिंसिपल, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ उसको चला रहे होते हैं। तो दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है मुनीर अकरम। पर ये कौन है, मुनीर अकरम कौन है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब पाकिस्तान को अगर कोई बंदा वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड नेशन में, तो वो कौन है, मुनीर अकरम साहब। अब मुनीर अकरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल था, तो अगर वो मुझे मिलता मैं शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिखे थे कि यूनाइटेड नेशंस को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन से देने चाहिए। सबसे पहले उन्होंने ये लिखा कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयमेंट या जो भी बंदा आप देखोगे वो तकरीबन वाइट होगा, वाइट। आप यूनाइटेड नेशंस अगर जाओगे तो वहाँ की मैनेजमेंट या फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको वाइट पीपल की तादाद ज़्यादा मिलेगी, मतलब 95% वहाँ पे वाइट पीपल हैं। तो उन्होंने, और वो जो वाइट पीपल वहाँ पे है ना, वो कहाँ से आए, P5 कंट्रीज से आए, P5 कंट्री, वीटो कंट्री, परमानेंट 5। तो उन्होंने कहा कि आपके जो पहला रिफॉर्म है वो ये है कि आपके पास जो ये वाइट पीपल हैं 95% में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 95, लेकिन वहाँ पे वाइट पीपल की तादाद बहुत ज़्यादा है,
एडमिनिस्ट्रेटर ऑलमोस्ट ना वाइट पीपल ही है सारे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आप वाइट पीपल ही सिर्फ चूज़ नहीं करो, दूसरी एथनिसिटी के भी लोग चूज़ करो। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ वाइट पीपल को चूज़ किया, वो वाइट पीपल जो हैं और जो बंदे हैं वो सारे के सारे P5 स्टेट्स में से आ रहे हैं, US में से आ रहे हैं, UK में से आ रहे हैं, फ्रांस में से आ रहे हैं, चाइना में से आ रहे हैं, रशिया में से आ रहे हैं, मोस्टली वहाँ से, ठीक है। पहला ये कि उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को चेंज करो, हर कॉन्टिनेंट में से आना चाहिए बंदा, ज़रूरी नहीं कि इन 5 कंट्रीज में से ही सिर्फ आप उठाओ, हर कॉन्टिनेंट में से उठाओ। दूसरा उन्होंने ये बोला कि आपके पास इम्प्रॉपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आप जो हैं वो सीट जो है, अगेन वही पॉइंट को मोस्टली वो रेज करें कि आप जो सीट दे रहे हो वो आप इन्हीं P5 कंट्रीज़ को ही दे रहे हो। अगर कोई बंदा P5 कंट्री से आ रहा है, जैसे भाई मैं हूँ, मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ और मेरे ही खिलाफ़ कोई दूसरा बंदा आ रहा है, वो आ रहा है रशिया से, तो वो मेरी जगह उस रशिया वाले बंदे को उठा लेंगे। वो ये करते हैं, यहाँ पे ये होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो P5 के अकॉर्डिंग कर रहे हो। अगर कोई बंदा P5 से आता है तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, तो आपको आपके पास इम्प्रॉपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आपको ख़त्म करना है। सेकेंड बना ये ए, ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म है, इसमें ये ए पॉइंट मैंने बताया, ये बी पॉइंट बताया। तीसरा वो ये कह रहे थे कि आप जो ये दो चीज़ें कर रहे हो कि आप वाइट पीपल को प्रमोट कर रहे हो, आप जो है इम्प्रॉपर सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से आपके यूनाइटेड नेशन में रेसिज्म प्रमोट हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट हो रही है। तो आपको आप ये दो चीज़ें ख़त्म करोगे तो आपकी ये दो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने ये कहा फर्दर उन्होंने सॉल्यूशंस दिए, उन्होंने बोला कि ये इन चीज़ों को आप ख़त्म करो, ये भी सॉल्यूशन है। उन्होंने दो और सॉल्यूशन दिए, उन्होंने बोला कि आप लोग जो है कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो। कोटा सिस्टम होगा तो वहाँ पे समझो एक इक्वलिटी जो है वो प्रिवेल करेगी, कोटा सिस्टम जैसे हमारे पास होता है, तो कोटा सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस करो। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उन्होंने बोला कि आप जो है सीट्स को इक्वली डिवाइड करो सारे कॉन्टिनेंट्स में, ये नहीं कि अगर कोई बंदा 5 in 500 कंट्रीज में आ रहे तो आप उनको दे रहे हो, नहीं, सिर्फ ये नहीं करो, आप सारे कॉन्टिनेंट जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, मैंने आपको याद सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बताई थी, तो मैं आपको वो सिक्योरिटी काउंसिल की थी, ओवरऑल की बात करूँ तो उसमें ये थी कि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि ये लोग P5 कंट्रीज़ को मोस्टली इसको ज़्यादा प्रेफर करते रहते देन अगर कोई आप दूसरे कॉन्टिनेंट से हो गए या दूसरे कंट्री से हो गए, तो वो ये कहते हैं मुनीर अकरम साहब कि आपके पास जो सीट्स हैं उसको आप इस तरीके से डिवाइड करो कि वो सारे कॉन्टिनेंट्स को कवर अप करें, सिर्फ अपने इन 5 कंट्रीज़ को कवर अप नहीं करें, या सिर्फ वाइट पीपल को कवर नहीं करें, ब्लैक पीपल भी हों, ब्राउन पीपल भी हों, हर कोई हर एथनिसिटी एग्जिस्ट करें। तो ये था इसका जनरल रिफॉर्म, ये था इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उसके बाद इसका आखिरी रिफॉर्म है जिसका हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश हम लोग वाइंड अप करेंगे, यूनाइटेड नेशंस का आखिरी रिफॉर्म, वो आपका रिफॉर्म है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल था और एक और भी था, सॉरी एक और भी था जिसको हम लोग कहते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त रिफॉर्म है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, ये मैं बताना भूल गया था। फाइनेंशियल रिफॉर्म इसमें सिंपल सी दो चीज़ें आप लोग सिर्फ जहन में अपने बिठा लें, वो इन रिफॉर्म्स में होनी चाहिए। कि मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हर 2 साल में अपना बजट सेट करती है, बजट लेती है कंट्रीज से, तो इन रिफॉर्म्स में जिनको मैंने कहा सजेस्टेड रिफॉर्म, इनमें एक रिफॉर्म ये भी आता है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंडर, वो ये आता है, उसको मैं ए लिखा, वो ये आता है कि आप लोग जो हैं यूनाइटेड नेशन को सजेशन ये मिली कि आप लोग जो हैं बजट कलेक्ट नहीं करो कंट्रीज से, बजट कलेक्शन आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो हर 2 साल में बजट करते हो आप उसको छोड़ दो, बजट कलेक्शन आप लोग नहीं करो, आप लोग क्या करो, आप लोग टैक्सेस को इम्पोज कर दो, टैक्सेस लगाओ इम्पोज। कैसे लगाओगे भाई, कोई कंट्री है जिसके पास फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भाई, कोई कंट्री है जिसके पास मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कह देता हूँ कि पाकिस्तान के पास फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर का टैक्स लगा दो पाकिस्तान पे। भाई क्यों लगाओ, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पाकिस्तान अगर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अनाउंस करे तो वो रुक जाएगा, वो तो यही कहेगा ना कि यार मैं अपने वेपन्स को रोकूंगा, इतना ज़्यादा मैं टैक्स भर रहा हूँ, इस टैक्स को भी मैं अगर सेव करूँ तो मेरी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो उन्होंने ये कहा पहला रिफॉर्म फाइनेंशियल में कि आप बजट जो लेते हो हर 2 साल आप उसको रोक दो, आप सिंपली सारे स्टेट्स पे टैक्सेस लगा दो
उनके जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन हो उस पर बहुत उस पर सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, जिसके पास कम हो उन पर कम टैक्सेस लगा। और ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं, जैसे आइसलैंड है। आइसलैंड जो है वो एक पीसफुल कंट्री है जहाँ पे कोई जंग वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसा कंट्री जो कि पीसफुल है जिसका कोई वेपन नहीं है उस पर कोई टैक्स नहीं लगा, सिंपल। ये तो ये था पहला रिफॉर्म जो कि फाइनेंशियल रिफॉर्म में उन्होंने दिया था कि आप पहला रिफॉर्म ये करो कि आप बजट को काटो, आप बजट सेट नहीं करो, आप टैक्सेस लगा दो लोगों के और स्टेट्स के ऊपर। जो स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है या पूरे जिसको जो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है आप उन पर टैक्सेस लगाओ। टैक्सेस लगेंगे तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। स्टेट तो यही कहेगी ना कि यार हम अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ कम करें वरना हम पे टैक्सेस बढ़ेंगे। आप ये करो और जिन जिन वो स्टेट जो कि पीस लविंग स्टेट हैं या जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का एग्जिस्टेंस नहीं है उन पे आप टैक्स नहीं लगाओ, सिंपल। तो इस तरीके से आपकी जो वॉर है वो भी उसका जो एक रेशो है वॉर का वो भी आपका कम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। न्यूक्लियर वेपन कम होंगे तो नहीं होगी वॉर। पहला ये फाइनेंशियल। दूसरा जो रिफॉर्म है वो भी ये है कि वो भी टैक्सेस के हवाले से। दूसरा रिफॉर्म जो हमने सजेस्ट किया यूनाइटेड नेशन को वो ये किया कि हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं अभी जाके बाहर से पानी की बोतल ख़रीदता हूँ तो आप देखते हो कि पानी की बोतल जब मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे उस पर टैक्स लगता है। अगर मैं गाड़ी ख़रीदता हूँ तो आप देखते हो मैं गाड़ी का टैक्स भरता हूँ। अगर मैं फ़ोन ख़रीदता हूँ तो मैं फ़ोन का टैक्स भरता हूँ। अगर मैं मार्कर लेता हूँ तो मैं मार्कर में भी टैक्स भर रहा हूँ। आपको पता है जनरल सेल टैक्स और अच्छी टैक्स होता है। मैं कोई दुकान खरीदता हूँ टैक्स, घर ले रहा हूँ टैक्स, ठीक है ना। तो तो एक रिफॉर्म ये आया था और वो रिफॉर्म ये था कि जब कोई इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कोई इंडिविजुअल अपनी कंट्री की रिसोर्सेज यूज़ करता है तो कंट्री उस पर टैक्स लगाती है। मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी जो पी रहा हूँ वो एक रिसोर्स है ना कंट्री की, पाकिस्तान की रिसोर्स है, मैं वो पी रहा हूँ, मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझ पर वो टैक्स लगाते हैं, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ तो गाड़ी मुझे कहाँ से कौन प्रोवाइड करे, पैसे तो चले मैं दे रहा हूँ लेकिन कौन मुझे प्रोवाइड करे, कंट्री से मैं ले ना वो भी एक रिसोर्स है। पेट्रोल मैं कहाँ से ले रहा हूँ, पाकिस्तान से ले रहा हूँ ना, वो भी एक रिसोर्स है, तो कंट्री मुझ पर टैक्स लगाती है। तो यूनाइटेड नेशंस को एक रिफॉर्म सजेस्ट ये हुआ था कि जो इंटरनेशनल रिजर्वायर्स हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरब क्या करता है, सऊदी अरब क्या करता है कि वो करता है ऑयल को एक्सट्रैक्ट जगह जगह से, वो देखता है ऑयल से एक्सट्रैक्ट, उसको जहाँ से ऑयल मिलता है ना वो उठा के अपने पास रख लेता है और दूसरे मुल्कों में बेचता है और उसको उससे उसको प्रॉफिट मिलता है, वो उस पर टैक्सेस लगा देता है, प्रॉफिट लेता है दूसरे मुल्कों से। लेकिन वो जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट कराए तो यूनाइटेड नेशन को ये रिफॉर्म सजेस्ट हुई कि भाई जैसे सऊदी अरब ऑयल एक्सट्रैक्ट करे तो आप सऊदी अरब पे भी टैक्सेस लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि ऑयल एक नेचुरल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में, हर किसी का है, सिर्फ सऊदी अरब का नहीं है, हर किसी का है, नेचुरल रिजर्व है जो कि ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर सऊदी अरब ऑयल निकाल रहा है तो आप सऊदी अरब को बोलो कि पहले आप टैक्स पे करो फिर आप यहाँ से ऑयल निकालो। पॉइंट आप लोग मेरा समझे कि जैसे हमारे कंट्री के अंदर टैक्स सिस्टम होता है ना कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स लगता है, इसी तरीके से एक इंटरनेशनल टैक्स भी लगे मुल्कों के ऊपर कि मुल्क अपने रिसोर्सेज या रिसोर्सेज यूज़ करें या कुछ भी रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करें तो उनके ऊपर टैक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सऊदी अरब का दिया, सऊदी अरब ऑयल निकालता है, अब ऑयल एक नेचुरल रिजर्वायर है, जैसे मैं कहूँ इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में टन्स ऑफ ऑयल पड़ा है, गैस पड़ी है और भी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो जो कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन से आके चीज़ें निकाल रहा है और अपने मुल्क में लेकर जा रहा है तो उस कंट्री पे जो है ना वो टैक्स लगाए। यूनाइटेड नेशन का ये रिफॉर्म, आप बजट सिस्टम को ख़त्म कर दो, आप फुली टैक्स सिस्टम पे आओ, जो स्टेट न्यूक्लियर वेपन यूज़ करे उस पर टैक्स लगाओ, जो कंट्री रिजर्वायर या जो नेचुरल रिजर्वायर्स को उठाए, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन है वो नेचुरल रिजर्वायर है, हर कंट्री आके, यूएस भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, तो इंडिया भी आ रहा है, जापान भी आ रहा है, हर कोई आके वहाँ से निकाल है, आप उन सारे कंट्रीज़ पे टैक्स लगाओ। जब टैक्स लगेगा तो मिसयूज़ और या फिर वो जो एक जो वो हम कहते हैं ना कि ज़ाया, जो हम लोग ज़ाया करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो ज़ायापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और जो उसका मिसयूज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा जब टैक्स लगेंगे, हर कंट्री जो है वो समझ जाएगा। तो ये थे आपके दो फाइनेंशियल रिफॉर्म। आखिरी जो है, अब आपका आखिरी है, वो है आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस में। ये रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर क्वेश्चन आया था चीज़ें।
जैसे इसके पास पेपर अगर आप देखेंगे तो अकाउंट पर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसका लास्ट है वो है फोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, उसके बाद आपको ये लेक्चर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि भाई देखें, यूनाइटेड नेशन बनी थी 1945 में, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन जब 1945 में बनी थी ना, तो इसके मेंबर्स कितने थे याद है, मैंने आपको बताया था 51 मेंबर्स। अब 1963 में ये जो मेंबर्स है ना 51 से, ये चले गए थे 100 पे चले गए थे। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये कहते हैं, हमने सजेस्ट यूनाइटेड नेशन को ये किया कि यूनाइटेड नेशन ने 1963 में जब इसके मेंबर 100 हो गए थे ना, अच्छा 1945 में जब इसके 51 मेंबर थे ना, उस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सिर्फ 11 मेंबर्स थे, 11। आज कितने 15 हैं, आज 15 मेंबर हैं। जब बनी थी ना और जब 51 मेंबर्स थे तो उस वक्त सिर्फ इसके 11 मेंबर होते थे सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें से 5 वो परमानेंट होते थे, बकाया जो 6 वो नॉन परमानेंट होते थे। पहला पॉइंट ये 63 में क्या हुआ, 1963 में ये 51 स्टेट्स जो हैं ये 100 में कन्वर्ट हो गए, मतलब तादाद बढ़ गई। जब ये 100 पे कन्वर्ट हुए ना, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 11 मेंबर जो थे ना, ये 11 से 15 हो गए, क्योंकि मेंबर्स बढ़ गए, ओवरऑल मेंबर्स बढ़ गए, तो इन्होंने यहाँ पे जो है ये 4 मेंबर और बढ़ा दिए सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन अब हम देखते हैं अगर करंट सिनेरियो, तो 2021 में अभी जो मेंबर्स हैं वो तो 193 हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो अभी भी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मेंबर्स बढ़ाने चाहिए ना। अब 50 मेंबर्स हैं, मे बी उसको 20 कर दो आप, बढ़ा दो। तो ये है पहला स्ट्रक्चर रिफॉर्म, जिसमें आप देखोगे कि भाई 1945 में जो था वो आपके 51 मेंबर्स थे, आपने उस वक्त 11 मेंबर्स रखे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपके टोटल 51 थे सिक्योरिटी काउंसिल में, 11 थे। 63 में आपके टोटल मेंबर 100 थे सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 थे। आज जब 2021 में हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं, आज आपके 193 मेंबर्स है, 100 से डबल हो गए, ऑलमोस्ट डबल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में स्टिल 15 मेंबर है। तो आपको चाहिए कि आप रिफॉर्म लेके आओ स्ट्रक्चर, और आप उन 50 मेंबर्स को कन्वर्ट कर दो 20 में, क्योंकि आपने 63 में भी कन्वर्ट किया था, तो आप 2021 में भी आप कन्वर्ट करो। ये था इसका पहला स्ट्रक्चर रिफॉर्म। दूसरा जो है वो ये है कि एक ग्रुप था, ये समझेगा बाद, इसके बाद हमारे लेक्चर एंड करके, वो ये था कि एक ग्रुप था जिसका नाम था G4 ग्रुप, इसका फुल फॉर्म ये G4 ग्रुप, तो उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ फोर। अभी ग्रुप ऑफ फोर में कौन कौन था, इस ग्रुप ऑफ फोर में 4 स्टेट्स थे, इंडिया था, जापान था, और ब्राज़ील था, और आई थिंक उसमें जर्मनी भी था, एंड जर्मनी। ये 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G4 ग्रुप ऑफ 4। अब इन 4 स्टेट्स का क्लेम पता है क्या है, ये इन्होंने एक ग्रुप क्यों बनाया, इस G4 ग्रुप का क्लेम ये है कि ये 4 स्टेट्स कहते हैं कि हमें P5 परमानेंट 5 का मेंबर बनाओ, हमें परमानेंट 5 में या सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 हैं हमें उनके साथ मिलाओ। इंडिया भी कहता है कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है, जापान भी कहता है, ब्राज़ील भी कहता है, जर्मनी, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया G4 जिसका मोटिव ये है कि इन 4 कंट्रीज़ को आप P5 मेंबर्स के साथ शामिल करो, बनाओ। अगर ये 4 आ गए तो ये हो जाएगा P9, लेकिन अभी ऐसा नहीं है और ना होगा। तो ये कह रहे थे कि इनका क्लेम ये है, इस ग्रुप का मोटिव ये है, मैनिफेस्टो ये है कि भाई हमें P5 का मेंबर बनाओ। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में बस वो जनरल बात थी जो अच्छी थी, वो आप लिख लीजिएगा, ये बात को सिर्फ समझें, क्योंकि ये भी यूनाइटेड नेशन में एक हेजमनी चल रही है। तो ये G4 की ये हेजमनी है वहाँ पे, या फिर एक साजिश है, या फिर एक मैनिफेस्टो है कि हमें P5 का मेंबर बनाए। अब जब ये हुआ ना, तो इसके खिलाफ क्या हुआ, इसके खिलाफ ये हुआ कि एक G4 बना, G4 को अपोज करने के लिए एक क्लब बना जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब। इसको आप कॉफ़ी क्लब कहो, या फिर इसका दूसरा नाम है G77 ग्रुप ऑफ 77, मतलब 77 स्टेट्स।
या इसको कॉफ़ी क्लब का हो या G77, लेकिन हम लोग इसको कॉफ़ी क्लब कहते हैं। कॉफ़ी क्लब के फाउंडिंग कौन थे, कॉफ़ी क्लब किसने ढूंढा था, पाकिस्तान ने ढूंढा था, अर्जेंटीना ने ढूंढा था और भी कुछ ममालिक थे उन्होंने ढूंढा था, लेकिन पाकिस्तान भी इसका फाउंडर था, बताना ये चाह रहा हूँ। तो इन्होंने कॉफ़ी क्लब इसलिए निकाला था कि G4 कहता है कि हमें जो है आप परमानेंट 5 में एडजस्ट करो, कॉफ़ी क्लब ये कहता है कि नहीं, परमानेंट 5 जो अभी हैं उन्हें ही आप रहने दो, लेकिन आप ये कर लो, कॉफ़ी क्लब ये कहता है कि आप परमानेंट 5 को रहने दो, लेकिन आप ये कर लो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ना, जो मैंने ऊपर बताया जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, आप उनको बढ़ा दो। मिसाल नॉन परमानेंट मेंबर अभी कितने हैं, 10 हैं, टोटल मेंबर 15 होते हैं ना, टोटल 15 होते हैं जिसमें से 5 आपके P5 हैं और बकाया जो 10 हैं वो आपके नॉन परमानेंट हैं। तो G4 कहता है कि भाई हमें P5 बना दो, हमें 5 जो परमानेंट मेंबर हैं हमें उनमें ऐड करो, हम चारों को। कॉफ़ी क्लब इसके अपोजिट में बना, उसने, क्योंकि पाकिस्तान तो ये नहीं चाहेगा ना कि इंडिया कभी भी परमानेंट मेंबर बने, तो कॉफ़ी क्लब बन गया और कॉफ़ी क्लब ने ये कहा कि भाई जो परमानेंट 5 है वो परमानेंट 5 ही रहें, यही रहें, हम नहीं चाह रहे कि ये एक्सपेंड हो, हम चाहते हैं कि नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं जो कि अभी करंटली 10 हैं आप उसको एक्सपेंड कर लो, इसको 10 की जगह 20 कर दो। तो ये था एक और पॉइंट जो मैंने बोला कि आप लोगों से शेयर करो। तो ये चार कंट्रीज हैं इसमें जो है G4 में, जो मैंने आपको बताया, ब्राज़ील, जापान, चाइना, इंडिया, ये चारों चाहते कि हम इसमें आएँ, सिंपली ये इनका बस ये था। मैंने बोला कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट दे दूँ, लेकिन ये चारों इसमें नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे P5 में चाइना बैठा है, चाइना कभी भी इंडिया को आने नहीं देगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट साहब थे और जो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट था, उन दोनों के बीच में एक समझे एक वो कहते हैं ना झड़प हो गई थी, बहस हो गई थी, तो उसके ज़्यादा अमेरिका ब्राज़ील को कभी नहीं आने देगा। जर्मनी को जो है वो UK कभी नहीं आने देगा। UK क्यों नहीं आने देगा कि एक डील हुई थी जिसको हम कहते हैं ब्रेग्जिट डील। जर्मनी ने इसमें से विड्रॉ कर दिया था जिसके वजह से जो है UK को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उस डील की वजह से जर्मनी को UK भी कभी आने नहीं देगा। और इसी तरीके से जापान भी, जापान का और जर्मनी का सेम सीन। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशंस, आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आएगा फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एंड। ये एक डिटेल लेक्चर था और मेरे ख्याल से इसमें आपको मज़ीद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग इस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप, तो अगर कोई क्वेरी है तो कहीं आप लोग मुझसे पूछ लें। बाकी ये है कि अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं आप लोगों को कुलभूषण यादव केस भी करवा दूँ आज ही, तो मुझे कोई इशू नहीं, आपको कहीं मुझे पता है कुलभूषण यादव केस करना है तो मैं आप लोगों को करवा दूँ। अगर आप लोग बिज़ी नहीं हैं तो या लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो पता है, मैं कुलभूषण यादव केस जो है वो एक इंटरेस्टिंग केस है, उसमें आया था, मैंने सोचा कि आप लोगों को करवा दूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं करवा दूँगा, तो आप लोग मुझे बताएं, चैट पर बताएं या वॉइस ऑन करके बता दें, करना है तो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ कुलभूषण यादव केस। यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशंस में ख़त्म है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कुलभूषण यादव केस भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है, एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अगर कोई आपसे पूछेगा तो वो भी आप लोग उसको बता सकते हैं। कुलभूषण यादव, अब कुलभूषण यादव केस ये था कि इंडिया ने, कुलभूषण यादव केस जो था वो ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान को अक्यूज़ किया, अक्यूज़ का मतलब ये है कि उस पर इल्ज़ाम लगाया, इंडिया ने पाकिस्तान को अक्यूज़ किया, किसको, पाकिस्तान को अक्यूज़ किया, पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने हमें जो है पाकिस्तान ने जो है वो आर्टिकल नंबर 36 वायलेट किया, आर्टिकल नंबर 36 ऑफ वियना कन्वेंशन, ये बताता हूँ क्या है, वियना कन्वेंशन जो है उसको वायलेट किया है। अभी क्लेम सिर्फ समझें, अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ये सब एक्सप्लेन करूँगा। कुलभूषण यादव केस ये था कि इंडिया ने जो था वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में लेके गया, जो कि मैंने आपको बताया ऑर्गन है UN का, इंडिया उसको उसमें लेके गया पाकिस्तान को, और वहाँ पर क्या उस पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन इसको वायलेट किया, ठीक है। ये फ़िलहाल अभी आप जहन में रखें, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल नंबर 36 क्या था, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ने क्लेम क्या किया था,
अब दो और चीज़ें जो आपको पता है पता होनी चाहिए। अब केस स्टार्ट होने से पहले जो है आप देखते हो कि दो पार्टीज़ अगर उनके बीच में केस होता है, जैसे मैं और अल्लाह बख्श हैं, अगर हमारे बीच में कोई केस होता है किसी चीज़ में, तो अल्लाह बख्श का अलग लॉयर होगा, मेरा अलग लॉयर होगा। तो इंडिया ने जो लॉयर हायर किया था अपने लिए, इंडिया ने लॉयर हायर किया था, वो लॉयर कौन था? उस लॉयर का नाम था हरीश सालवे। हरीश सालवे कौन थे? ये एक इंटरनेशनल टॉप लॉयर थे इंटरनेशनली टॉप लॉयर थे। अब टॉप का आप मतलब यही समझ लें कि कितने इसकी एक्सपर्टीज होगी हर चीज़, इंटरनेशनली टॉप लॉयर थे। पाकिस्तान ने किसको हायर किया था? पाकिस्तान ने जो हायर किया था वो बैरिस्टर थे। पाकिस्तान ने बैरिस्टर को हायर किया था, और बैरिस्टर का नाम था बैरिस्टर खावर कुरैशी। बैरिस्टर खावर कुरैशी भी किया था, और बैरिस्टर खावर कुरैशी कौन थे? बैरिस्टर खावर कुरैशी वो हैं जो कि इंग्लैंड की क्वीन के केसेस लड़ते हैं। इंग्लैंड की क्वीन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के केसेस हैंडल करते हैं। पाकिस्तान ने बैरिस्टर खावर कुरैशी को अपॉइंट किया जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड के केसेस को लड़ते हैं, कि अगर क्वीन ऑफ इंग्लैंड पे कोई केसेस आता है तो वो केसेस कौन देखता है? खावर कुरैशी साहब देखते हैं। और इनको कहा जाता है, खावर कुरैशी का वो कहते हैं ना एक टाइटल है, इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ इंग्लैंड काउंसिल। इंग्लैंड काउंसिल ये इनका टाइटल है जिसको ये कहते हैं कि खावर कुरैशी साहब जो हैं वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड काउंसिल है। जो इंग्लैंड की काउंसिल है वहाँ की ये क्वीन है। और ये किसके केसेस हैंडल करते हैं? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के केसेस ये हैंडल करते हैं। हरीश सालवे इंडिया ने अपॉइंट किया, टॉप लॉयर इंटरनेशनली था, टॉप में से टॉप लॉयर इंटरनेशनली, ब्रिलियंट लॉयर हैं। और जो पाकिस्तान ने अपॉइंट किया था वो कौन था? बैरिस्टर थे जिनका नाम था खावर कुरैशी, और वो किसके केसेस डील करते हैं? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के केसेस वो डील करते हैं। ये दो बंदे थे। अब आप सोचें कि इन दो बंदों का कैलिबर क्या होगा जब ये आपस में एक दूसरे आमने सामने होते हैं। तो ये था, ये लिखना चाहें तो लिखनी जगह उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी मैं दे दूँ। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि इंडिया का लॉयर ये था और पाकिस्तान के लॉयर खावर कुरैशी साहब थे। और इंडिया ने एक्यूजेशन पाकिस्तान पे क्या की थी? वो ये की थी कि पाकिस्तान ने जो है वो आर्टिकल नंबर 36 ऑफ वियना कन्वेंशन काउंसिलर एक्सेस, इसका पूरा नाम है ये वियना कन्वेंशन काउंसिलर एक्सेस, इसको वायोलेट किया। इंडिया का ये क्लेम था कि आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन काउंसिलर एक्सेस इसको पाकिस्तान ने वायोलेट किया, कुलभूषण जाधव केस। पहला आर्ग्यूमेंट इंडिया का ये था, ये बताता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा इंडिया का जो आर्ग्यूमेंट था और जो उसके क्लेम्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्लेम्स क्या थे? वो ये थे कि इंडिया ने तीन डिमांड की थी, थ्री डिमांड्स। हम लोग जब भी कोई केस लड़ते हैं ना तो हम उसमें डिमांड्स नहीं लिखते, ये डिमांड्स आपके लिए लिखा है। जब आप कोई केस देखें तो उसमें आप सुनते हैं थ्री प्रेयर्स, डिमांड्स को हम लोग कहते हैं प्रेयर्स। जब भी आप केसेस देखते हैं ना तो उसमें हम लोग डिमांड्स को कहते हैं प्रेयर्स। तो इंडिया ने थ्री प्रेयर्स की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, तीन डिमांड की थी इंडिया ने। वो तीन डिमांड क्या थी? नंबर वन, उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव जो हैं उनको जाधव काउंसलर एक्सेस दी जाए। ये मैं समझाता हूँ क्या है काउंसलर एक्सेस। नंबर टू, फिलहाल डिमांड देखो कि एग्जीक्यूशन ऑफ कुलभूषण यादव और के जे लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुलभूषण जाधव ख़त्म की जाए, फिनिश। और नंबर थ्री, इंडिया ने ये प्रेयर की थी कि कुलभूषण जाधव को आप इंडिया वापस भेज दें। अब देखें, हम लोग समझाता हूँ। पाकिस्तान को आर्टिकल 36 के लिए अक्यूज़ किया था। आर्टिकल 36 क्या है सुने? आर्टिकल 36 ये है कि आर्टिकल 36 ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी और स्टेट में जाता है, जैसे भाई मैं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिका चला जाता हूँ, ठीक है, अगर कोई बंदा
किसी और स्टेट में या किसी और मुल्क में चला जाता है और उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है वहाँ पे उस मुल्क में, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन काउंसलर एक्सेस, उस बंदे को राइट दिया जाता है काउंसलर एक्सेस का। काउंसलर एक्सेस क्या होता है, फॉर अब समझा रहा हूँ आर्टिकल 36 को समझें, वो ये है कि अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ अमेरिका, मैं अमेरिका चला गया, अब मैं अमेरिका चला गया जाता हूँ, उधर अमेरिका में मुझे अरेस्ट कर देते हैं, मुझे अरेस्ट कर दिया अमेरिका में। अब अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 36 पाकिस्तान से कोई बंदा आएगा, कोई लॉयर आएगा, वो आके मुझसे मिलेगा और मुझसे पूछेगा कि भाई क्या हुआ, क्यों अरेस्ट किया, किस बेसिस पे अरेस्ट किया, और वो मेरा केस बना सकता है, डिफेंड कर सकता है। उसको हम कहते हैं काउंसलर एक्सेस, कि अगर कोई बंदा बाहर किसी और मुल्क में अरेस्ट हो जाता है तो हर कंट्री पे लाजिम है कि वो कंट्री उसको काउंसलर एक्सेस दे, ताकि उसके उसके मुल्क का बंदा आके उस बंदे से जो अरेस्ट हो गया उससे पूछे। उसको हम कहते हैं काउंसलर एक्सेस, पूछेगा भाई किस चीज़ पे अरेस्ट है। मैं अगर अमेरिका में अरेस्ट होता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अमेरिका में जाके अरेस्ट मुझे कर लेते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह बख्श भी पाकिस्तानी, तो अल्लाह बख्श जो है ना वो अमेरिका आएंगे और अमेरिका से कहेंगे कि भाई आप मुझे काउंसलर एक्सेस दो, अमेरिका पूछेगा भाई मैं आपको क्यों दूँ, तो अल्लाह बख्श कहेंगे भाई आपने मेरा बंदा अरेस्ट किया हैदर और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे काउंसलर एक्सेस दो ताकि मैं उससे जाके पूछूँ। तो ये कहते हैं आर्टिकल नंबर 36 कि आपको जो है अगर कोई बंदा कोई किसी और स्टेट में अरेस्ट हो जाता है तो आपको उसको काउंसलर एक्सेस देना है लाजमी। ये था आर्टिकल 36 और इंडिया ने कहा था कि भाई इन्होंने कुलभूषण जाधव को जो है ना वो अरेस्ट कर लिया, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा, उसने आर्टिकल 36 की वायलेशन की है। पहला आर्ग्यूमेंट इंडिया का ये जिस पे उसने पाकिस्तान को यहाँ बुलाया। दूसरा, उसने तीन डिमांड की आईसीजे से, उन्होंने आईसीजे से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तीन डिमांड की इंडिया ने। उसने बोला कि भाई पाकिस्तान ने अभी तक हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दी, तो उसने पहली डिमांड यही रखी कि हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए ताकि हम अपने बंदे से कुलभूषण जाधव से मिलें, पहला पॉइंट। दूसरी डिमांड उन्होंने ये की कि आपने सुना होगा कि कुलभूषण जाधव को जब पकड़ा था ना तो पाकिस्तान ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिए, फांसी की सज़ा दे दिए, तो इंडिया ने ये कहा कि आप जो उसको एग्जीक्यूशन दिए उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म की जाए, एग्जीक्यूशन आपने क्यों दिए, दूसरी डिमांड ये। तीसरी वो ये कहता है कि आप जो है कुलभूषण जाधव हमें रिटर्न कर दो, मना हमें वापस कर दो, उसको इंडिया वापस भेजो। तो ये तीन थी डिमांड इंडिया की और ये था आर्टिकल 36 जो कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने वायलेट किया और इसी बेसिस पर वो उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आए। अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो कहीं मुझे पूछें, क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ, और हमारे पास 10 मिनट बचे, उसका मीटिंग एंड है, बताएं मुझे अल्लाह बख्श क्लियर है फर्क यहाँ तक। ये थे इंडिया के क्लेम्स। अब ये तो हो गए इंडिया के क्लेम, आर्टिकल 36 भी मैंने आपको बताया कि उनकी डिमांड्स भी मैंने बताई। अब इस बात पे पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान ने भाई अपने आर्ग्यूमेंट भी देने थे, पाकिस्तान अपने आर्ग्यूमेंट देता है। पाकिस्तान ये कहता है कि सर क्या हमने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस इसलिए नहीं दी, और वो इसलिए नहीं दी थी हमने कि क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ हमने कुलभूषण जाधव को इसलिए एक्सेस नहीं दी कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी स्पाई को पकड़ें तो उस स्पाई को अगर आप किसी स्पाई को पकड़ें तो उस स्पाई को जो है वो प्रिजनर वॉर ऑफ प्रिजनर राइट भी नहीं मिलते, वॉर ऑफ प्रिजनर राइट, मैं समझाता हूँ क्या है प्रिजनर राइट। पाकिस्तान ने इसके जवाब में ये कहा कि इंडिया ने यही कहा ना कि काउंसलर एक्सेस इसने हमें दी नहीं है, पाकिस्तान ने हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दी, पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 रिवोक किया है, 36 आर्टिकल क्या था, काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में ये बात की कि सर इंटरनेशनल लॉ जो है वो ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी स्पाई को पकड़ लेते हैं तो उस स्पाई को जो है प्रिजनर ऑफ वॉर राइट्स भी नहीं दिए जाते। प्रिजनर ऑफ वॉर राइट्स क्या होते हैं वो बताता हूँ, कि अगर स्टेट ए है और स्टेट बी है, इन दोनों के दरमियान जंग हो जाती है, वॉर हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्टेट ए जो है ये जीत जाता है, विक्टोरियस हो जाता है, तो स्टेट बी में कुछ चंद लोग बचे होंगे या कुछ लोग बचे होंगे, तो ये स्टेट बी जो है जाहिर सी बात है इन लोगों पे कब्जा करेगा, इनको अपना प्रिजनर्स बना लेगा, जाहिर सी बात है। अगर स्टेट ए जीत जाता है वॉर और स्टेट बी में कुछ लोग बच जाते हैं तो स्टेट ए क्या करेगा, इन लोगों को अपना प्रिजनर बना देगा,
प्रिजनर तो बना देगा, लेकिन इन प्रिजनर्स के, इनको हम कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, इनको कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर, वो लोग जो कि वॉर हार चुके हैं, अब प्रिजनर प्रिजन में हो गए, इनको हम कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। अब इन प्रिजनर ऑफ वॉर के भी सर्टेन राइट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि अगर स्टेट ए जीत गया तो उसने इन सबको जेल में उठा के डाल दिया तो चलो भाई जेल में डाले हुए तो बस ख़त्म। नहीं, अगर आप कोई वॉर जीत रहे हो और आप दूसरे स्टेट जिसको आपने हराया उनके बंदों को उठा के आप प्रिजन में डाल रहे हो तो उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। राइट्स क्या होते हैं कि आप उनको मेडिकल फैसिलिटी दोगे, हेल्थ फैसिलिटी दोगे, आप उनको खाना दोगे, तो इस तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी स्पाई को पकड़ते हो, कोई स्पाई को आप पकड़ते हो, तो उस स्पाई को जो है वॉर और जो प्रिजनर ऑफ वॉर के राइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताए वो भी नहीं दिए जाते। इतनी सख्त स्पाइंग पे वो मना किया गया है, इंटरनेशनल लॉ ये मना करता है। तो पाकिस्तान ने बोला कि हमने काउंसलर एक्सेस उसको इसलिए नहीं दी क्योंकि कुलभूषण यादव जो था वो एक स्पाई था और उसने हमारे कंट्री पे स्पाई करने की कोशिश की है, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ हम उसको इंटरनेशनल लॉ प्रिजनर ऑफ वॉर राइट्स भी आपको स्पाई पे आप नहीं दिए जाते। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना जजमेंट पास किया और उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने जो बात की है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? उन्होंने ये कहा कि सर आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो वैलिड तो है लेकिन इंडिया ने आपको आर्टिकल 36 के अकॉर्डिंग अक्यूज़ किया है। इंडिया ने आपको ये नहीं बोला कि आपने इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ की बात की, वो कह रहे हैं कि आपने आर्टिकल 36 को वायलेट किया, और आर्टिकल 36 में यहाँ कहीं पे भी नहीं लिखा कि स्पाई को जो है वो पकड़ना है या उसको जो वॉर के जो राइट्स हैं वो नहीं देने या क्या। आर्टिकल 6 में कहीं पे मेंशन नहीं है, आर्टिकल 36 में सिंपल ये लिखा है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उसको काउंसलर एक्सेस देनी है, लाजमी है। तो आपने आर्टिकल 36 को वायलेट किया है और आपकी जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो इंटरनेशनल लॉ की वो नल एंड वॉइड है। तो उन्होंने उसके आर्ग्यूमेंट को, पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया आईसीजे ने, हो गया रिजेक्ट। फिर पाकिस्तान ने एक और इनको बात की, पाकिस्तान ने आईसीजे को कहा, जजेस को कहा कि सर हमने तो जो है इंडिया से मदद भी मांगी थी, हर चीज़ मांगी थी कि आप जो है हमारी मदद करें कुलभूषण यादव केस में, कि कुलभूषण यादव कौन है, कैसे आया ये वो, तो इंडिया ने तो हमारी खुद ने मदद नहीं की तो हम उसको काउंसलर एक्सेस ये कैसे दें। तो इंडिया ने कहा कि भाई जब आप मुझे काउंसलर